मेडिकल साइंस ने कुदरत के नियमों को भी बदल के रख दिया है। जिस खबर से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, यह खबर सुनकर शायद आपके पसीने छूट जाएं। मेडिकल साइंस इतना आगे पहुंच गया है कि खुद को चैलेंजिंग भरा बना दिया है। आपको बता दें कि मेडिकल साइंस की दुनिया में यह पहला ऐसा मामला है जब बिना गर्भाशय के एक 32 साल महिला के शरीर में एक मृत महिला की बच्चेदानी ट्रांसप्लांट की गई। साथ ही महिला ने सफलतापूर्वक गर्भ धारण करके एक बच्ची को भी जन्म दिया। यह महिला ब्राजील की रहने वाली है। हालांकि इससे पहले भी गर्भाशय यानी बच्चादानी ट्रांसप्लांट के 11 सफल मामले सामने आए हैं, लेकिन मृत महिला के शरीर से बच्चेदानी लेने से लेकर बच्चे के जन्म तक की सफलता पहली बार ही मिली है। बच्ची अब साल भर की हो चुकी है और एकदम स्वस्थ है। मेडिकल जर्नल लैंसेट में 4 दिसंबर को आई जानकारी के मुताबिक डॉक्टरों ने 45 साल की एक महिला का गर्भाशय निकाला। मृत महिला के पहले से 3 बच्चे हैं जो कि सामान्य डिलीवरी से हुए। लगभग 10.5 घंटे तक चले ऑपरेशन में सावधानी से मृतक का गर्भाशय निकाला गया और फिर एक अलग सर्जरी में 32 साल की उस औरत के भीतर ट्रांसप्लांट किया गया। महिला का गर्भाशय नहीं था लेकिन अंडाशय था, यानी IVF के जरिए बच्चा लाया जा सकता था। यह अपनी तरह का प्रयोग था जिस पर सरकारी पैसा लगाया गया। टेक न्यूज रूम की रिपोर्ट।